एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल द्वारा सदर तहसील के कोरोना हॉटस्पॉट सेंटर ग्राम खजुआ थाना पिपराइज हॉटस्पॉट एरिया ग्राम भटुनिया जुनूबी थाना पिपराइज और हॉटस्पॉट एरिया जंगल छत्रधारी थाना पिपराइज का निरीक्षण किया गया। साथ ही टू स्टेप डिलीवरी के विषय में निर्देशित किया गया। आपको बता दें कोरोना काल में गोरखपुर जिला प्रशासन बहुत ही सतर्कता के साथ जिले के सभी निवासियों का ख्याल रख रहा है और उनके लिए सारी सरकारी सुविधा भी मुहैया करा रहा है। अगर बात करें एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल की तो एसडीएम सदर ने भी अपना परवाह ना करते हुए निरंतर हॉटस्पॉट एरिया का निरीक्षण करते हैं और सील हुए एरिया में लोगों को कोई असुविधा ना हो इसके लिए हमेशा इस बात पर ध्यान भी दिया है। इस संबंध में एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार 400 मीटर का एरिया कंटेनमेंट जोन और 250 मीटर का एरिया बफर जोन बनाया गया और सेवाओं की जो आपूर्ति होती है वह डोर स्टेप डिलीवरी की जा रही है। वीडियो और ग्राम प्रधान के माध्यम से सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोटेदारों को निर्देशित किया गया है कि वह घर घर जाकर राशन का वितरण करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा बड़े जो बड़े हैं हमारे बुजुर्ग हैं 7 साल के ऊपर के हैं बच्चे हैं सबसे ज़्यादा कितना रहता है। हाँ स्कूल में भी रह रहे थे ये जो व्यक्ति का मटेरियल रहे हुए हैं स्कूल में रहता तो उसके तो 2 भाई हैं खास और 8-9 लोग हैं कितने 8-9 लोग उनके साथ रहा है और वो जो खजवा वाला है वो 3-4 लोग उसके परिवार के परिवार के साथ रहा है। इन लोगों को तो यहाँ नहीं इन लोगों को तो यहाँ से शिफ्ट करना यहाँ पे पहले तो यहाँ से डीडा भिजवा दीजिए वहाँ सैंपल लेके इनको तो सीधा सीधा है ना कॉन्टेक्ट में सीधा उनको उठा के वहाँ भेजना है ना। तो ये सब ये करवाइए डॉक्टर साहब थोड़ा सा ना मैं इधर ही आ जाता है ना थोड़ा करवाइए शाम तक मुझे बताना जी सर स्टेटस रहा जी सर ये सब 8-9 लोग हैं या तो यहाँ से सैंपल लेके आए रहेंगे जी सर या फिर हम उसको कोशिश करेंगे यहीं से कीड़ा चले जाएंगे जब तक रिपोर्ट देखिए नेगेटिव नहीं आएगी तब तक नहीं करवा दीजिए सब साथ में रोक के जाने करवा दीजिए बहुत ज्यादा रहेगा मैं यहाँ से हटवा के वहाँ पर सर एक आदमी सर इनसे अलग आया था हाँ वो भी जाएगा और उनके साथ ही रहा अभी है उनके साथ जाएगा और तरीका है दो आदमी हमारे वो आए गांधी किसी बांधे चला फिर आदमी हमारी गई हुई है वो भी कोरोना से फंसा गांधी है वो भी लोग घर में क्वारंटीन है गांधी उनको भी दो भेजवा दीजिए घर में क्वारंटीन है घर में घुसा हुआ है हाँ घर में है गांधी जी और वो भी महाराष्ट्र आए हैं महाराष्ट्र गांधी जी कितने लोग आए उसको कुछ अभी दिक्कत नहीं है लेकिन उसका था जानी 7 लोग बैठ गए 30 लोग आए थे गांधी वो कोरोना था हाँ जो मर गया कैसे मर गया आने में मरा बुढ़ापे में मरा कैसे मरा वो बता देना दो के साथ मतलब दो आदमी और हैं हाँ दो आदमी उनका भी सैंपल दिलवा देंगे किसी वाली दिक्कत है देखिए कल पिपराइज में हमें 3 हॉटस्पॉट बन 3 पॉजिटिव केस मिले थे 3 अलग अलग गांव में तो उनको हॉटस्पॉट बनाया गया मिटनिया बुजनी खजवा और जंगल छत्रधारी ये पिपराइज थाना अंतर्गत थे और जंगल डूमरी नंबर 2 ये गुलेरिया थाना अंतर्गत था तो 4 हॉटस्पॉट मिले हैं। तो वहाँ पे जैसे कि शासन के निर्देश हैं कि 400 मीटर का एरिया आपको कंटेनमेंट करना पड़ता है और 250 मीटर बफर जोन रहता है तो उसमें सारे आवागमन सब कुछ हर तरीके से रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और जितनी भी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की जो आपूर्ति होती है वो डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से की जाती है। तो हमने वही बताया कि सारे गाँव को जितने भी उसके रास्ते थे सबको सील कर दिया है एक सिंगल हमने एंट्री एग्जिट रखा है हर गांव में घुसने वाले और निकलने वाले व्यक्ति की पहचान रजिस्टर में दर्ज की जा रही है और मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। सुबह शाम वीडियो के माध्यम से और ग्राम पंचायत प्रधान के माध्यम से सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। पूर्ति निरीक्षक को भी हमने आदेश दिए हैं कि जो कोटेदार है वो राशन का वितरण घर घर जाके करेगा कोई व्यक्ति नहीं आएंगे दुकानों पे और कोई भी किसी भी वस्तु की आवश्यकता होती है तो डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से कराया जाना सुनिश्चित करें। जिन जगहों पर वो रहे थे क्वारंटाइन सेंटर्स में उनको सील कर दिया गया है उनका सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और जो जो कॉन्टैक्ट में मिले थे उनके जैसे कल खजवा में 8 लोग आए थे उसके कॉन्टैक्ट में उन सबको हमने गीड़ा में या फिर L1 फैसिलिटी में शिफ्ट कर दिया उनका भी सैंपल लिया जाएगा
और वो देखा जाएगा कि कहीं वो संक्रमण उन तक तो नहीं फैला है। तो इस तरीके से सारे लगभग जितने भी शासन के निर्देश हैं कि हॉटस्पॉट में क्या क्या होना चाहिए, उन सब का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हम कल गए थे और हमने एक इंसिडेंट ऑफिसर भी नियुक्त किया है वहाँ पे, जो कि सब उसकी देख रेख में सारे कार्य संपादित होंगे।